हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपी आप बनाने के लिए जान जाओ पहले। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ चिक्की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिल को भून लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम जैसा तिल लिया है। आपके फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आप तिल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बादाम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से इसे भूनना है। ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो ये तिल जल सकता है। इसे आराम आराम से, अभी पैन पूरा गर्म नहीं हुआ इसीलिए मैं हाथ से चला ले रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। इस तरह से इसे घुमा घुमा कर अच्छे से पहले भून लें। एक एक दो दो मिनट में इसे घुमाते रहें। इस तरह से टॉस भी करते जाइए इसे। अब ये हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद बादाम की भुनाई होगी। अब बादाम को भी भून लेंगे उसी तरह, इसे भी कम फ्लेम में भून लेना है। बादाम का सारा ऑयल निकल जाना चाहिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में जलाना नहीं है, आराम आराम से भूनेंगे इसे। उसके बाद इसके छिलके भी निकाल लेंगे। तो पहले इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। अभी इसके छिलके मैं निकाल लूँगा, इसे पूरी तरह से साफ कर लूँगा। इसी तरह से इसके छिलके निकाल लेने हैं अच्छे से और दाने दाने को तोड़ लेना है। अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं है तो चलेगा। अब गुड़ पिघलाएंगे तो पानी थोड़ा सा ही मैं डालूँगा। गुड़ को टुकड़े टुकड़े करके डालें। अब बात रही कि गुड़ की क्वांटिटी कितनी लेनी है। मैंने बादाम लगभग 200 ग्राम तक लिया हुआ था और तिल की क्वांटिटी मेरी 100 ग्राम है, यानी कि 300 ग्राम इधर हो गया। तो आपको गुड़ कम से कम 250 ग्राम लेना है। 250 ग्राम से थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो 250 ग्राम से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ है। इसे अच्छे से घोलने देंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसे छान लेंगे। मैंने छान लिया इसे। अब इसे थोड़े से हाई फ्लेम में इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक ये टाइट ना हो जाए। थोड़ा सा टाइट इसे करना है। फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं तो ये उबलते उबलते बाहर भी आ सकता है। अब ये लगभग होने चला है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। ये हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो भी हमने भून रखा हुआ था। तो अब इसमें डालेंगे तिल। और अब ये बादाम।
अब इसे अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी यहाँ नहीं करनी है, आराम आराम से इसको मिलाना है पहले। यहाँ पर इस स्टेज में आने के बाद आपको लगेगा कि ये पेचीदा वाला सवाल है, ये हमसे नहीं होगा, हम तो मार्केट से ही खरीद के ले आएंगे, लेकिन एक बार बना के देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। बस चिकी हो गया तैयार, अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। और ये ठंडा हो जाए उससे पहले इसे शेप भी देना है, पतला करना है इसे, तो फ्लैट बर्तन वाले यानी नीचे का बेस फ्लैट होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए, उस टाइप का बर्तन ले लें और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें और फिर इसे निकाल के उसी बर्तन में रख दें। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। मैंने इस तरह के बर्तन ले लिया है, ये बेसिकली थाली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है जितना तक इसे फैलाना है बस। अब इसे इसमें निकाल लेंगे, इसे पहले मैं हाथ से फैला लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, इसमें पानी लगेगा नहीं, अब ये पक चुका है इसीलिए। इसे इस तरह से कोई कटोरी होगा आपके पास, इसे अच्छे से पतला कर लें। ये हो गया, अब इसे थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे, फिर यहाँ से इसे निकाल लेंगे।